हरियाणा के बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह ने बताया कि फरीदाबाद जिला में जो व्यक्ति बिजली चोरी करके अवैध रूप से उत्तर प्रदेश के 45 फार्म हाउसों को बिजली सप्लाई कर रहा था, उसके खिलाफ केस दर्ज कर 1,04,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इस मामले में दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम के आरोपी 6 अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। हरियाणा के बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह ने शनिवार को अपने निवास पर पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि जब निगम अधिकारियों को सूचना मिली कि हरियाणा के साथ लगते उत्तर प्रदेश की सीमा में कुछ फार्म हाउस बिजली चोरी कर रहे हैं, तो निगम के एक्सीएन शमशेर सिंह के नेतृत्व में तुरंत एक टीम बनाकर 16 जुलाई 2020 को यमुना नदी क्षेत्र के खेड़ी कलाम सब डिविजन में रेड की गई। टीम ने जांच में पाया कि फरीदाबाद जिला के प्रदीप त्यागी नाम के व्यक्ति ने बिजली का कनेक्शन लिया हुआ है, जो साथ लगते उत्तर प्रदेश के 45 फार्म हाउसों को अंडरग्राउंड तार ले जाकर अवैध रूप से बिजली सप्लाई कर रहा था। इस मामले में प्रदीप त्यागी पर 1,04,00,000 रुपए का जुर्माना किया गया है। हमारे पास 12,078 ट्यूबवेल के कनेक्शन के लोगों ने अप्लाई कर रखा है, जिनमें 10,275 जिन्होंने पूरा पैसा जमा करा रखा है, जिनमें वाटर पंप के भी पैसे हैं, जिन्होंने आपका सिक्योरिटी भी दे रखी है, जिन्होंने पोल्स और लाइंस के पैसे भी जमा करा रखे हैं। हमने 4,868 समर्सिबल दे दिए ऑलरेडी। 4,868 में हम पे मोटर आ गई 5 स्टार, जिनमें 4,463 कुछ हैं वो हमने इंस्टॉल कर दी, और कोई समझो 400 कनेक्शन, 450 कनेक्शन रहते हैं जो अगले 10 दिन में कर देंगे। कुछ जगह बरसात आ गई, पानी भरा हुआ है, कुछ जगह जो बोर साइज ठीक नहीं है उस करके वो रुके हुए हैं, वो अगले 15 दिन में कर देंगे। मतलब आप ये समझिए कि 4,900 तो ये लग गए जी, कोई 700-800 जो आपका मोनो ब्लॉक है वो हमने दे दिए। 1,471 ऐसे किसान हैं जिन्होंने अपने आप का मोनो ब्लॉक के लिए बोला है, जिनके पानी ऊपर है 20-40-60 फुट पे, वो 1,471 को हमने कह दिया आप अपना लगाए। अब जो 4,868 के अलावा हमने 4,000 मोटर जो 3 स्टार पे एग्री कर दिया, क्योंकि 5 स्टार तो मैन्युफैक्चर बंद हो रहा होगा, 3 स्टार जो पिछली बार आपसे चर्चा हो रहा था उस पर जो किसानों ने सहमति दे दी, 4,230 है जिन्होंने ऑप्शन दिया है कि हमें 3 स्टार लेके दे दें, 230 4,230, 4,230 किसान ये कह रहे हैं हम 3 स्टार मोटर लेने को दें, जिनका हमने ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया और वो हमें अगस्त के महीने में ही आ जाएंगे, मतलब अगले 30 दिन में, एक महीने में हमें वो मोटर्स हम रिसीव कर लेंगे, और इसी अगस्त के महीने में 30 दिन में मोटर हम पे 4,230 नए कनेक्शन आ जाएंगे 3 स्टार मोटर्स के, वो हम पे वाटर पंप सेट आ जाएंगे, जिन्हें किसानों ने अपनी सहमति दे दी कि हमें 5 स्टार नहीं अवेलेबल है तो 3 स्टार दे दो, वो हम उनको दे देंगे, ऑर्डर बुक कर दिया, और इस महीने के आखिर में 30 अगस्त तक हम पे आ जाएंगे, और हम इसे बाई 1st week of October सारे मोटर पंप सेट इंस्टॉल कर देंगे। मतलब पिछले महीने में हमने 5,000 से ऊपर कनेक्शन दे दिए सब मिला के मोनो ब्लॉक, और ये अगले महीने में भी हम 30 सितंबर तक फिर हम तकरीबन 4,500 कनेक्शन और मोनो ब्लॉक का अगर साथ हम मिला लें तो 5,000 से ज़्यादा, मतलब 10,000 कनेक्शन हम पहली बार रिकॉर्ड होगा निगम का कि हम 3 महीने के टाइम में वो कनेक्शन इंस्टॉल कर देंगे। 10,000 ट्यूबवेल आज तक नहीं मिले, और इसके बाद फिर हम जो ई पोर्टल है उसे खोल देंगे, आगे के कितने लोग आते हैं उस हिसाब से, तो हमारे इनका 12,000 कनेक्शन को हम जो मीट आउट करने का कर रहे हैं वो हम कर देंगे। अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और देखें ताज़ा अपडेट्स, और कमेंट बॉक्स में अपने मूल्यवान सुझाव